एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रोडक्ट बाय लैटिस मल्टीप्लिकेशन। ए है 37 मल्टीप्लाई बाय 32। इसको आप नोटबुक में देखेंगे। ए 37 मल्टीप्लाई बाय 32। 37 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 37 को 3 से, फिर दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों के आंसर को ऐड करेंगे। तो पहले 37 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 14 का 4 लिखा, 1 की कैरी 3 पर, 2 3 जा 6, 6 में 1 को ऐड करेंगे तो 6 और 1 7, तो ये 37 का 2 से हो गया। अब 3 का करना है तो इस कैरी को काटेंगे और 4 के नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब 3 को 7 से करेंगे, 3 7 जा 21, 21 का 1, 2 की कैरी, फिर 3 3 जा 9, 9 और 2 कैरी का 11। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 32 का। अब इनको ऐड कर देंगे, 4 और मल्टीप्लाई को ऐड करा, 4 का 4, 7 और 1 8, और 1 का 1, और 1 का 1, तो आंसर आया 1184। इसी टाइप से बाकी के एग्जांपल्स बी सी डी ई एफ आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट बाय बोथ लैटिस मल्टीप्लिकेशन एंड द जनरल मेथड। इसमें भी हमें वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ए 72 मल्टीप्लाई बाय 56, तो इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। सेकेंड का ए 72 मल्टीप्लाई बाय 56, तो 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 का 2, 1 की कैरी 7 पर लगाएंगे, 6 7 जा 42, 42 में 1 को ऐड करेंगे, 42 और 1 43, ये हो गया। अब इस कैरी को काटेंगे और इसके नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे 2 के नीचे। अब 5 2 जा 10, 10 का 0, 1 की कैरी, फिर 5 7 जा 35, 35 और 1 कैरी का 36 पूरा ही लिख देंगे। अब इनको ऐड कर देंगे दोनों को, 2 और मल्टीप्लाई ऐड करा, 2 का 2, 3 और 0 3, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 4 और 6 10, 10 का 0, 1 की कैरी 3 पर लगाया, 3 और 1 कैरी का 4, तो आंसर आया 4032। इसी टाइप से बाकी के एग्जांपल्स बी सी डी ई और एफ ई आपको करने हैं और पूरी एक्सरसाइज फिर अपने नोटबुक में करनी है।